हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 7, सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें पार्ट है 3 कुत्ते की वफादारी। ये एक कहानी है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये जो पार्ट है 3 कुत्ते की वफादारी, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर उसके बाद जो ये स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर थे वो करवा दिए थे। इस पार्ट के शब्द के शब्द अर्थ थे, जो शब्द के अर्थ थे, हार्ड मीनिंग्स, हार्ड वर्ड्स मीनिंग, वो भी मैंने आपको करवा दिया था। फिर उसके बाद मुहावरे अर्थ थे वो करवा दिया था। फिर मुहावरे से जो वाक्य में प्रयोग करना था वो भी मैंने आपको करवा दिया। तो आज मैं आप उसके बाद जो कहावत थी वो कहावत भी मैंने आपको करवा दी थी। फिर अभ्यास के क्वेश्चन आंसर थे वो करवा दिए थे। फिर स्वाध्याय में प्रश्न पहला था, एक कहानी थी जो मैंने आपको एक कहानी थी चतुर सेठ, वो मैंने आपको करवा दी थी। आपको याद है? नहीं याद हो तो आप एक बार फिर से देख लेना। तो वो कहानी थी वो मैंने करवा दी थी। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी मैंने आपको करवा दिए थे। और अब है क्वेश्चन नंबर 3, वो आज मैं आपको करवाऊँगी। फिर उसके बाद ये परीक्षा लक्ष्य जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए सब वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में करवा दी थी, रेखांकित शब्द चुनकर लिंग परिवर्तन करना था, वो मैंने आपको करवा दिया था। लेकिन आज फिर से आप लोगों को फिर से करवाती हूँ, ताकि आप लोगों को फिर से रिमाइंडर हो जावे और आप लोगों को ज़्यादा याद हो जावे, ठीक है? तो उसमें एक उदाहरण तरीके से भी दिया हुआ है। सेठ ने कहा, घोड़ा दौड़ रहा है। तो ये जो घोड़ा है वो रेखांकित शब्द है, तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। फिर उसके जो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और ये जो शब्द है उसका लिंग परिवर्तन करना है। तो घोड़ा का हो जाएगा घोड़ी, तो उसका वाक्य बनेगा घोड़ी दौड़ रही है। अब नेक्स्ट है नंबर 1, सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूँगा। तो ये जो सेठ है उसके वो रेखांकित शब्द है, तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और उसका वाक्य जो सेठ है उसका लिंग परिवर्तन होगा सेठानी। फिर उसका वाक्य में प्रयोग होगा, सेठानी ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगी। नंबर 2 पर है, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। ये जो ऊंट है वो रेखांकित शब्द है, तो हम उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और उसका वाक्य में जो से नंबर 2 पर थे बन जा रहे, ठीक है? चलो, ये नंबर 2 है वो मैं आपको फिर से बताती हूँ। बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो ये जो बंजारा है वो रेखांकित शब्द है, तो हमें उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और ये जो बंजारा है उसका लिंग परिवर्तन होगा बंजारन, और इसका फिर से वाक्य होगा बंजारन को बहुत दुख हुआ। उसी तरह से नंबर 3 पर है, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। तो ये जो ऊंट है वो रेखांकित शब्द है, तो उसका वचन परिवर्तन होगा ऊंटनी, तब वाक्य होगा ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। अब नंबर 4 है, मैदान में लड़का खेल रहा है। तो ये जो लड़का है वो रेखांकित शब्द है, तो उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। फिर उसका लिंग परिवर्तन होगा लड़की, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे मैदान में लड़की खेल रही है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये रेखांकित शब्द में रेखांकित शब्द का जो लिंग परिवर्तन था वो करवा दिया। फिर उससे वाक्य बनाना था वो भी मैंने आपको समझा दिया और सिखा दिया। तब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, बॉक्स में से लिंग आधारित शब्द के जुड़े जोड़ मिलाकर और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, बॉक्स में से लिंग आधारित
जो लिंग आधारित शब्द होते हैं ना उनकी जोड़ मिलानी है। जैसे दिया हुआ है गाय, तो इसका लिंग मिलाकर शब्द होगा बैल। फिर उसका हमें वाक्य भी बनाना है, तो उसका वाक्य होगा गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, बैल किसान का दोस्त है। समझ में आया आपको? इसी तरह से अब नेक्स्ट सब है वो करेंगे। उसमें नंबर वन पर है शिष्य, तो उसका होगा शिष्या। फिर उसका वाक्य में प्रयोग होगा रमेश मेरा शिष्य है, सुहानी मेरी शिष्या है। नंबर टू पर है नाग, तो उसका जोड़ मिलेगी, लिंग के आधारित जोड़ मिलेगी नागिन। ठीक है, तो उसका वाक्य में प्रयोग होगा घर में से एक नाग निकला, नागिन सिर पर हिलने लगी। फिर नंबर थ्री पर है शिक्षक, तो उसके सामने होगा शिक्षिका। ठीक है, तो फिर वाक्य में प्रयोग होगा शिक्षक पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। फिर है शिक्षिका पढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ घोड़ा, तो उसका होगा घोड़ी, तो उसका वाक्य बनेगा घोड़ा तेज दौड़ता है। फिर जो घोड़ी है उसका वाक्य बनेगा घोड़ी चने खा रही है। नंबर फाइव पर है देव, तो उसका लिंग परिवर्तन में होगा देवी, तो उसका वाक्य बनेगा गांव के बाहर देव का मंदिर है। जो देवी है उसका वाक्य बनेगा तालाब के किनारे देवी का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर फाइव रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए, रेखांकित शब्द की जो संज्ञा है उसे हमें पहचानना है। तो उसमें फर्स्ट है सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो ये जो सैनिक शब्द है वो रेखांकित संज्ञा है, तो उसका आंसर होगा सैनिक, तो वो जातिवाचक संज्ञा, वो क्या है जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से नंबर टू पर है हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, जो देश है वो जातिवाचक संज्ञा है। नंबर थ्री पर है गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो ये जो नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको ये जो पार्ट थ्री था कुत्ते की वफादारी उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था, और आज ये जो स्वाध्याय था उसमें क्वेश्चन नंबर थ्री था रेखांकित शब्द चुनकर फिर लिंग परिवर्तन करने के बाद उसका वाक्य बनाना था वो करवाया, फिर ये लिंग आधारित शब्द की जोड़ मिलानी थी वो करवाया, फिर वाक्य को फिर से बनाना सिखाया, फिर उसके बाद ये जो रेखांकित शब्द की संज्ञा थी वो पहचानना था, तो वो भी मैंने आपको करवाया। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, और साथ ही साथ ये जो मैंने आपको करवाया वो आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ठीक है, थैंक यू।